यो, क्या हाल चाल, कैसे हो? मेरे हिसाब से तुम लोग अच्छे ही हो, आई गेस सो। सो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि माइनक्राफ्ट के अंदर पॉकेट एडिशन के अंदर मल्टीप्लेयर किस तरह खेल सकते हैं। यस, यू हर्ड इट राइट। बार बार ये लाइन क्यों बोलता है? सो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि माइनक्राफ्ट के अंदर पॉकेट एडिशन के अंदर मल्टीप्लेयर के अंदर किस तरह मल्टीप्लेयर खेल सकते हैं। ये आई हेट दिस थिंग। बहुत सारे लोगों को खेलते ही नहीं आता कि मल्टीप्लेयर किस तरह खेलते हैं। एंड बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि माइनक्राफ्ट के अंदर मल्टीप्लेयर भी खेल सकते हैं। एंड बहुत सारे लोगों के पास दो दो मोबाइल है और वो मल्टीप्लेयर भी खेलना चाहते हैं लेकिन उन लोगों को आता नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास दोस्त है जो माइनक्राफ्ट खेलते हैं लेकिन उन लोगों को माइनक्राफ्ट के साथ माइनक्राफ्ट के अंदर मल्टीप्लेयर किस तरह खेलते वो आता ही नहीं है। सो आज मैं उन सारे लोगों को बताने वाला हूँ कि मल्टीप्लेयर किस तरह खेलते हैं। अभी जो भी मैंने तुम्हें लिस्ट ऑफ पीपल बताया है, अगर उनमें से कोई भी पीपल तुम्हारे फ्रेंड लिस्ट पे या कोई भी जगह पे है तो उसे ये वीडियो शेयर करो, उसको आना चाहिए कि मल्टीप्लेयर किस तरह खेलना है। समझ पड़ी? तो चलो अब शुरू करें। लेट्स ट्राई अ डिफरेंट वॉइस। सबसे पहले तुम्हें माइनक्राफ्ट को ओपन करना है दोनों फोन में। मेन मेन्यू के ऊपर आने के बाद तुम्हें फिर सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद क्रिएटर में जाना है। क्रिएटर पे जाने के बाद तुम्हें वहाँ पे ऑन विद वाईफाई दिखा हुआ होगा, उसके ऊपर क्लिक करो। और उसके ऊपर क्लिक करने के बाद तुम्हें वहाँ पे तीन ऑप्शन दिखेंगे, तीसरा वाला ऑप्शन चूज कर लो, दैट्स इट। इतना ही नहीं, अगर तुम उसके ऊपर देखोगे तो तुम्हें अलाउ मोबाइल डेटा वाला ऑप्शन दिखेगा, तो उसे भी अनेबल कर लो क्योंकि वो जरूरत पड़ेगा। एंड दैट्स इट, इतना ही है। फिर क्रिएट वर्ल्ड के ऊपर क्लिक करो एंड वहाँ पे मल्टीप्लेयर के अंदर सारे ऑप्शंस को अनेबल कर दो। वो डिफॉल्ट सेटिंग की वजह से सारे अनेबल ही होंगे, तो उसको अनेबल ही रहने देना, डिसेबल मत करना। एंड वर्ल्ड को क्रिएट कर दो एंड दैट्स इट। एंड फिर अपने दूसरे फोन से माइनक्राफ्ट को ओपन करके फ्रेंड वाले ऑप्शन पे जाकर एंड थोड़ी देर राह देखने के बाद तुम्हें अपना फ्रेंड का वर्ल्ड ज्वाइन करने का ऑप्शन आ जाएगा एंड तुम ज्वाइन हो जाओगे। इट्स दैट इजी डू। एंड तुम देख सकते हो कि मैं फोन नंबर 1 से ज्वाइन हो चुका हूँ एंड देखो ये फोन नंबर 2 भी ज्वाइन हो चुका है। कहाँ है ये भी देख लेते हैं। और ये रहा, जैसा कि तुम देख सकते हो कि मैं अभी मल्टीप्लेयर खेल रहा हूँ और मेरे सामने मैं खुद ही हूँ। इट्स गुड, मैं मल्टीप्लेयर खेल रहा हूँ एंड अच्छा चल रहा है ये। तो चलो अब मैं ये भी बता देता हूँ कि यहाँ पर तुम अपने फ्रेंड को फ्रेंड किस तरह बना सकते हो माइनक्राफ्ट के अंदर, जिससे तुम उसके वर्ल्ड में या वो तुम्हारे वर्ल्ड में ज्वाइन कर सकता है। फ्रेंड बनाना इम्पोर्टेंट है। अगर तुमने फ्रेंड नहीं बनाया तो तुम उसके वर्ल्ड में ज्वाइन नहीं कर पाओगे या वो तुम्हारे वर्ल्ड में ज्वाइन नहीं कर पाएगा, तो इट्स इम्पोर्टेंट। चलो देखते हैं कि फ्रेंड किस तरह बनाते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स में जाओ, एड फ्रेंड में जाओ, वहाँ पे अपने दोस्त का गेमर टैग डाल दो एंड उसको ऐड कर दो। दैट्स इट, तुमने अपने दोस्त को ऐड कर लिया एंड यू कैन प्ले विथ हिम व्हेन एवर यू वांट। बस इतना सिंपल प्रोसेस ये है यार। इंग्लिश और स्पेनिश? अगर लाइक नहीं किया तो तुम गे हो।